हेलो गाइस, माय नेम इज़ युवराज मलिक एंड यू आर वाचिंग विजन ऑनलाइन स्टडी। आज हम SST की बात करते हैं। वैसे मूड नहीं था आज कुछ भी काम करने का, लेकिन क्या करें, वीडियो तो आपके लिए बनानी पड़ेंगी। मैंने आज वीडियो बनाई है पृथ्वी की आंतरिक जानकारी। यार बड़ी टेंशन देती है आंतरिक जानकारी, इतनी सारी जानकारी है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया पढ़ पढ़ के। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो सबसे बेस्ट है, सबसे सही है, सबसे सटीक जानकारी है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू बोल दो मुझे कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, तो पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी क्या है, बोर होने वाली बात नहीं है। वैसे भी तो बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सर आपकी वीडियोस 20-20 मिनट की होती है, आगे करके देखना पड़ता है, बीच में बोर हो जाते हैं। यार बोर हो जाते हो तो भाई आते क्यों हो वीडियो पे, मत दे पढ़ो मत आओ। अगर बोर हो जाते हो भाई पढ़ाई में, यार मैं चुटकुला सुनाऊँ क्या, जो करूँ मैं हैं। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी हमें पढ़नी है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों पर आधारित है। अप्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता है जिसका पास, जिसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हमने नीचे जाकर नहीं देखा भाई, हम ऊपर से ही देख रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि पृथ्वी के अंदर कोई जा नहीं सकता, अगर जाएगा तो पिघल जाएगा। समझ आई बात, पृथ्वी के अंदर नहीं, हमने ऊपर से ही देखा है, इसलिए जो वो स्रोत हैं वो अप्रत्यक्ष हैं। समझ आई बात। दूसरा बात करते हैं, खनिजों को निकालने के लिए कई बार खदान खोदी है। आपने देखी होगी कोयले की खदान होती है, खनिज की खदान होती है, जिससे लोहा कॉपर गोल्ड सोना निकलता है। हीरे की खान होती है, कभी देखी है हीरो की खान? छोड़ो क्या, तुमसे क्या बात करनी। लेकिन अब तक 10 से 12 किलोमीटर ही खोदा जा चुका है। सबसे निचला ग्रत भी जो है ना, जिसे मैरीना ग्रत बोलते हैं, वो 11,033 मीटर है, यानी 11 किलोमीटर बैठा। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है पता है कितनी है, वो है 6,371 किलोमीटर। ये लिखा है देख लो, 6,371 किलोमीटर में से अगर मैं 11 किलोमीटर माइनस कर दूँ ना, तो आएगा 6,360 किलोमीटर का गैप रह गया अभी। तो हमने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में आज तक, याद रखिए ये बात। आगे चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के, अगर हमें पृथ्वी के अंदर झांकना है ना, तो हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। हमें तीन चीज़ को बेस बनाया है हमने, पहले तो घनत्व को बना लिया, दूसरा बना लिया दबाव को, तीसरा बना लिया ताप को। तो फिर ये तो हो गए अप्राकृतिक स्रोत, मतलब ये प्राकृतिक नहीं है, ये हमने इस पे काम किया है। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी तो देखे होंगे, वोल्केनो, तुमने वोल्केनो के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं उसके अंदर क्या है, क्योंकि अंदर से ही तो सब कुछ बाहर निकल के आ रहा है, लावा वगैरह, तो उसके बारे में देख के बता सकें हम क्या है इसमें। और भूकंप विज्ञान से भूकंप की तरंगे, हमें तरंग के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे नीचे क्या है। तो जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन कौन से हो गए, ज्वालामुखी और भूकंप का विज्ञान। और तीसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके अकॉर्डिंग में हम थोड़ा बहुत बता ही दें कि अंदर क्या है। ठीक है, तो तीन स्रोत हो, इसको याद कर लियो। अब बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत की, घनत्व है क्या। हमें पता है बेटा, घनत्व अगर बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। मतलब कि घनत्व का मतलब होता है कि कितने वॉल्यूम में कितने अणु हैं। अगर अणु ज़्यादा होंगे तो भार भी तो बढ़ेगा ना, घनत्व ज़्यादा होगा तो भार बढ़ेगा, या याद रखियो। और भार बढ़ेगा तो कोई चीज़ ठोस बनेगी। तो बात करते हैं आगे, घनत्व चीज़ है क्या, अगली वीडियो में। ओके जी, तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी का जो घनत्व है वो है कितना। जो भी हम घनत्व की बात कर रहे हैं वो एवरेज घनत्व है, मतलब कहीं पर कमियां ज़्यादा हो सकता है, ये हर जगह सेम नहीं रहेगा। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों पर घनत्व बहुत कम है, जो कि 3.1 है। एक जगह कम है तो दूसरी जगह ज़्यादा होगा, तभी औसत इतना आया है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो आंतरिक घनत्व है बहुत ज़्यादा है, आंतरिक घनत्व ज़्यादा है और बाहरी घनत्व कम है, तभी उसका जो मिक्सचर आएगा वो 5.5 बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बिल्कुल अंदर की, पृथ्वी के अंदर की अगर हम बात करें, तो उसका घनत्व है 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना है, 10 से 12 है। लेकिन जब हम बाहर की बात करते हैं तो 2 से 3 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो बाहर की चट्टानें होती हैं उनका घनत्व तो बहुत कम है, अंदर का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। अगर अंदर का घनत्व तो ज़्यादा होगा तो भार भी तो ज़्यादा होगा, अगर भार ज़्यादा होगा तो अंदर की चीज़ ठोस होगी। तो घनत्व तो ने यह बता दिया कि जो आंतरिक भाग है वो ठोस है। ठोस क्या है, वो केंद्र ठोस होगा, क्योंकि
घनत्व ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है तो भार ज़्यादा होगा, भार कब ज़्यादा होगा, जब वो चीज़ ठोस होगी। आई बात समझ नहीं आई? तो घनत्व के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है। अब दबाव से कैसे बताएंगे? वैज्ञानिकों ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है उसका भार बहुत ज़्यादा है, और वो सारा भार किस पर पड़ रहा है? वो सारा भाग आंतरिक चीज़ पर पड़ रहा है, और जब इस पर भार ज़्यादा पड़ेगा तो ये चीज़ ठोस बन जाएगी। इससे पता लग गया कि जो अंदर की चीज़ें हैं वो ठोस हैं। ताप, ताप की एक बात हमें ध्यान से रखनी है। जब भी हम भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 32 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं 32 मीटर नीचे जाता हूँ तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? ताप बढ़ जाता है। और इसी आधार पर जो अंदर का ताप होता है ना, अंदर का ताप होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी चट्टान नहीं रहती, सब पिघल के पानी बन जाते हैं, लावा बन जाता है, द्रव बन जाता है। लेकिन द्रव द्रव बनने से आयतन बढ़ जाता है, लेकिन आयतन के लिए वहाँ जगह तो है नहीं। इस वजह से जगह ना मिलने के कारण जो वो केंद्र है वो ठोस हो जाता है। केंद्र क्या हो जाता है? वो ठोस हो जाता है। तो इसी प्रकार हम बता पाए कि चाहे घनत्व हो, चाहे दबाव हो, चाहे ताप हो, तीनों में ही जो केंद्र है वो ठोस है, जो केंद्र है वो ठोस है। याद रखना मेरी बात। चलो आगे देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के नाम यहाँ दिए गए हैं जिसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला ग्रहणु परिकल्पना, अब ये कौन है, क्यों इसने परिकल्पना की, मुझे नहीं पता। बस इतना याद रखना है, जो ग्रहणु परिकल्पना दी है उसने यही बताया है कि जो केंद्र है वो बहुत ही ज़्यादा ठोस है। और ये किसने दिए? ये है चैम्बरलिन और माल्टन। क्यों दी तूने भाई परिकल्पना? क्यों हमारा दिमाग तुमने खराब किया? लेविट, जवारीय व वायवीय परिकल्पना। जवारीय दिया है जेम्स जीन्स और जेफरीज ने, तीनों जे से स्टार्ट किया है, इसे रट लेना। वायवीय परिकल्पना लाप्लास जी ने दिया है, जिन्होंने बोला है कि अंदर गैस थी। कहाँ गैस थी? केंद्र में। समझ गए हैं बात? नहीं समझ आई तो रट लो, मुझे भी नहीं समझ आई। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर तो पृथ्वी की जो जो हमारी पृथ्वी है, इनकी जो तीन भागों में परतें बांटी हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपरी परत है उसे सियाल का है, जो बीच में है वो सीमा है, और जो सबसे नीचे है वो निभे है, ठीक है। तो देख लो भाई, जहाँ हम रहते हैं ना उसे क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट व के पास पे जो ये चीज़ है ना, ये पिंक कलर वाली, ये सियाल है। और दूसरा कलर दिखा देता हूँ यार तुम्हें, तो बस कुछ नहीं पता। दूसरा जो कलर है ये सीमा है, ठीक है। अब तीसरा कलर जो ये बचा, ये वाला, ये यहाँ नीफे होती है, ठीक है। तो देख लो फिर, ऊपरी परत जो है वो सियाल है। सियाल मतलब SI और AL, इसका अलग अलग करके लिख लियो, ध्यान रहेगा फिर। सियाल तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसे महाद्वीप को निर्माण हुआ है, जैसे एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा भारत है, यह परत ग्रेनाइट से मिलती जुलती है, याद रखिए। और जो सबसे ऊपर वाली परत है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो चीज़ों के मिलके बनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? बेसाल्ट, ग्रेनाइट के नीचे बेसाल्ट हो वह। तो एक बात और मैं तुम्हें बता दूँ, जो सियाल है ना, स्वेस ने बनाई है, सियस ने इसे सियाल नाम दिया। सियाल का फायदा क्या है? सियाल के दो टुकड़े कर दो, एक बन गया सी, एक बन गया आल। जो SI बना है ना, इसे बोलते हैं सिलिका, मतलब मिट्टी, रेत, बालू। और जो AL है, ये एलुमिनियम है, जिसका वो शटर वटर बनाते हो तुम, दुकानों का देखा ही होगा, वो एलुमिनियम का बना है, ठीक है। AL बोले हैं इसको। तो सियाल, CI मतलब SI मतलब सिलिका, मिट्टी, बालू, रेत, और AL मतलब एलुमिनियम, ठीक है। दो चीज़ों में इसमें, अगर इसका घनत्व तो देखो तो इसका घनत्व तो होता है 2.5 से 3 के बीच में होगा, जो कि बहुत कम है, क्योंकि मैंने बताया था बाहर का घनत्व तो कम होता है, अंदर का घनत्व तो ज़्यादा होता है। देखें आगे क्या है। आगे है सीमा। सीमा को भी दो तोड़ दो, ये सीमा किसी लड़की का नाम ना है। सीमा मतलब इसको बीच में से तोड़ दो, एक बन गया SI, दूसरा बन गया MA। SI से फिर सिलिका बन गया, सिलिका मतलब बालू, रेत,
Ma से बन गया मैग्नीशियम, ठीक है। सियाल के नीचे की परत होती है ये सीमा, पहली सियाल है फिर सीमा है, और ये ग्रेफाइट के नीचे होता है बेसाल्ट, बेसाल्ट से मिलकर बनी है, और जितने भी वो भूकंप आवे ना वो भी यहीं आवे, और जितने भी वो ज्वालामुखी जो लावा और मैग्मा निकाल लें वो भी यहीं से निकाल लें, सियामा से। इसमें मैग्नीशियम हो ज़्यादा, याद रखियो। आगे बात करें नीफे की, नीफे को भी बीच में से तोड़ दो, एक बन गया नी, एक बन गया फे, नी से बना निकिल और एप से बना फेरस, फेरस को कहते हैं लोहा। लोहा देखा ना कभी? हाँ, घर में होगा ही तुम्हारे, और तुम क्या भी स्टील लगवाओगे, ठीक है फिर देख ले इधर। जो Ni है वो है निकिल और Fe है फेरस, ध्यान रखियो इसको। इसके केंद्र भाग को निफ कहते हैं, और यहाँ का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है 4 से 11 तक, ध्यान रखियो ये बात। तीन हो ऊपर सियाल हो, फिर सीमा हो, फिर नीफे हो, और बीच में से तोड़ के इनको बता सकें कि इनमें क्या क्या है। और ये भी ध्यान रखियो, जो ये है इसमें ग्रेफाइट होता है सियाल में, सीमा में बेसाल्ट होता है, और नीफे में लोहा होता है। समझ आई बात? चल आई तो ठीक, नहीं आई तो रटना है ही तुमको, नेक्स्ट पेज पे चल रहे। हाँ जी, तो भूकंप की बात की थी ना मैंने, भूकंप की बात करें आगे। जो भूकंप होवे ना उसकी कुछ लहरें होती हैं, गति होती है लहरों की। तो जो लहरों की गति, लहरें कितने प्रकार की होती हैं ये बात करते हैं। लहरें तीन प्रकार की हैं मेन, जो याद करनी है, ठीक है। पहली है प्राथमिक, फिर है द्वितीयक, और फिर है धरातलीय। तो प्राथमिक की बात करें, प्राथमिक को प्राइमरी बोला है इंग्लिश में, तो प्राइमरी का पी ले लिया, इसे पी वेव्स भी बोलते हैं, और इसकी गति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज, जो कि 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब गति चेंज होती है इसी वजह से काफ़ी अंदर तक जा सके, ध्यान रखियो, या पृथ्वी के अंदर काफ़ी अंदर तक जा सके, मतलब इससे हम काफ़ी कुछ पता लगा सकें अंदर क्या है। और जो द्वितीयक वेव्स होती है ना, उसे द्वितीयक मतलब सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंड, तो सेकेंडरी वाले को एस वेव से प्रदर्शित करते हैं। इसकी गति पहले वाली से थोड़ी कम हो, इसकी 5 से 10 हो, इसलिए वो पहली वाली से थोड़ा कम अंदर जा पावे, लेकिन ये भी काफ़ी गहराई तक जा ले, इससे भी काफ़ी कुछ पता लग जा, और इसके थोड़ी वेवलेंथ भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो धरातलीय वेव्स की बात करते हैं इसके बाद। धरातलीय वेव्स, इसे लॉन्ग वेव्स कहते हैं, इसकी जो वेव होती है वो बहुत लंबी होती है, इस वजह से इसकी गति बहुत कम हो जाती है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड की हो जा, पहले वाले की होती है 8 से 14, इसकी होती है 5 से 10, इसकी होती है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये लहरें प्रभावी बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर ये भूकंप की लहरें आती हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा करें, या ध्यान रखियो। तो तीन लहरें हो गई, प्राथमिक हो गई, सेकेंडरी हो गई, और लॉन्ग वेव्स हो गई। इसे पी वेव बोलते हैं, इसे एस वेव बोलते हैं, इसे एल वेव बोलते हैं। पहले वाले की गति सबसे ज़्यादा होवे, और धरातलीय लहरों की गति सबसे कम होवे, ध्यान रखियो। तो लहरों की भिन्नता के आधार पर हमने, लहरों की भिन्नता के आधार पर हमने अपनी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। सबसे ऊपर आता है क्रस्ट, यानी भूपरपट्टी, समझ आई बात? जिस पे हम चले ना रोड पे, उसे बोल रहे हैं क्रस्ट, ठीक है। 40 किलोमीटर तक की अंदर गहराई हो इसकी। क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, कैसे लिखे हैं क्रस्ट? हाँ, ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें मिलता है हमें ग्रेफाइट, क्या मिले? ग्रेफाइट। और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें मिलता है हमें बेसोल्ट, ऊपर ग्रेनाइट नीचे बेसोल्ट मिलता है। यहाँ देख लो जरा, क्योंकि जो महाद्वीप होते हैं उनकी गहराई 40 किलोमीटर होती है, जिसमें ग्रेनाइट मिलता है, और जो महासागर होते हैं उसमें बेसाल्ट मिलता है, याद रखियो यह बात। महाद्वीपों में ग्रेनाइट मिलता है, महासागरों में बेसाल्ट मिलता है क्या चक्कर? इस चित्र में देख लो, बहुत मेहनत कर रखी मैंने, पढ़ लियो इसको। तो इसमें है क्या, इसमें ये क्रस्ट के दो पार्ट हमें दिखाए हुए हैं, ऊपर वाले पार्ट में ग्रेनाइट होता है, नीचे वाले पार्ट में बेसाल्ट होता है, याद रखियो। और ये है इधर का समुद्र, ठीक है। तो समुद्र के नीचे सिर्फ बेसाल्ट होता है, क्योंकि ग्रेनाइट वाली जगह पर तो पानी आ गया, इसलिए समुद्र के नीचे यानी महासागर के नीचे सिर्फ क्या होता है? बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट चट्टाने होती हैं, याद रखियो। कभी कोई दवाई दुवी समझ लो,
बेसाल्ट चट्टाने और ग्रेनाइट भी चट्टाने होते हैं। महाद्वीप के नीचे दोनों होती हैं, ग्रेनाइट भी और बेसाल्ट बेसाल्ट होती हैं। तो ये समझ आ गया होगा तुम्हें। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट इन दोनों के बीच में जो लाइन होती है उसे बोलते हैं असंबद्धता, मतलब कि जो इन दोनों चीज़ों को अलग कर रही है वो बॉर्डर लाइन। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन होती है ना, जैसे दर्रा बोलते हैं, ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है ये रोड है। रोड मान लो कि हमने यहाँ से रोड लगा दी तो इसका नाम है कौन रोड। कौन रोड याद रखेंगे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच में रोड लगा दी है जिसका नाम है कौन रोड। असंबद्धता याद रखोगे या नहीं? नहीं रखोगे तो अपने लिए नहीं रखोगे भाई, पेपर तुम्हारा है, वैसे मेरा भी है, बट याद कर लियो ठीक है। वाह 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 यार, इस चित्र को देख के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। साला गलती से कैसे बन गया भाई, मुझे समझ नहीं आता। साला ऐसा तो अब किसी बुक में भी नहीं दिया हुआ जैसा मैंने बना दिया। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और तुम एक कमेंट करके नहीं जाता, इतनी गलत बात है ना, तुम्हारे गुस्सा तो इतना आता जिकरता सिर तोड़ दूँ। वेल हमें टीचर मुझे याद रखना चाहिए ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे। बिना कमेंट किए अगर इस वीडियो पर गए ना तुम, देख कर देखना मत, अगर देखो तो बिना कमेंट किए जाना मत। मेंटल की बात करते हैं, मेंटल का मतलब, मेंटल मतलब पागल नहीं है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर 1 पर था वो क्रस्ट था, जिसके दो भाग थे, पहले भाग में ग्रेफाइट और दूसरे भाग में बेसाल्ट होता है, और उनके बीच में हम रोड लगाते हैं उसका नाम होता है कौन रोड, याद रखना। अब दूसरी परत की तरफ चलते हैं, मेंटल बोलते हैं, मेंटल वो वाला नहीं है बता रहा हूँ मैं। तो भूपटल, तो सबसे तो बात करते हैं, देख भाई अभी ऊपर क्रस्ट थी, क्रस्ट के ऊपर आई मेंटल, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी तो एक लेयर होगी, बॉर्डर होगा, ये भी तो दूसरा देश आ गया भाई। क्रस्ट के बाद मेंटल दूसरा देश है, तो एक बॉर्डर और आएगा जिसे असंबद्धता बोलेंगे। तो ये मोहो है, मोहो क्योंकि मेंटल मेरा है, मेरा मतलब मोहो, मोह ठीक है, तो मोह मेंटल हमें याद रखेंगे, मेंटल मोह, मोह मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो संबंधता है उसे बोलते हैं मोह। ये ऊपर क्रस्ट है, ये ऊपर मेंटल है, इन दोनों को बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे बोलते हैं मोह। फिर मेंटल भी दो है, मेंटल ऊपरी और मेंटल निचली, दो मेंटल के बीच की जो जगह है उसे भी, उसे हमने किया है रिपेटी, उसे कहते हैं रिपेटी। इतना मैं आपको बता देता हूँ, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक का होता है, जो मेंटल है इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक का होता है, और दो मेंटल को जो बीच में से तोड़ती है बॉर्डर लाइन उसे बोलती है रिपेटी। पिछली बार तो हमने क्या किया था, बीच में रोड लगा दी थी, लेकिन इस बार हम बीच में पेटी लगा देते हैं। पेटी तो पता है ना, जिसमें सामान रखते हैं, ये पेटी को हम इसके बीच में लगा देंगे। किसके बीच में? मेंटल 1 और मेंटल 2 के बीच में लगा देंगे, यानी मेंटल ऊपरी और मेंटल निचली के बीच में लगा देंगे, जिसे बोलेंगे रिपेटी। क्या बोलेंगे इसे? रिपेटी। पेटी लगा दी, रिपेटी हो गया। किसके बीच में? मेंटल 1 और मेंटल 2 के बीच में। समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें रटना है। तो अब बात करते हैं कोर की। कोर जो है वो सबसे ज़्यादा नीचे होती है, लगभग 3000 से 6000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो जैसे कि मेंटल के बाद कोर आ गया, मेंटल और कोर के बीच में भी दूसरा देश आ गया, तो एक बॉर्डर लाइन तो ज़रूर होगी जिसे असंबद्धता कहेंगे। तो मेंटल और कोर के बीच में जो असंबद्धता होती है उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग, विशार्ट बोलते हैं, गुटेनबर्ग याद कर लेना, गुटेनबर्ग। ऐसा असंबद्ध था यार, इतना हार्ड वर्ड है मेरे से ही नहीं पढ़ा जा रहा। तो जो मेंटल और कोर के बीच में है उसे बोलते हैं गुटेनबर्ग विशार्ट। फिर कोर के दो पार्ट होते हैं, कोर ऊपरी और कोर निचला, कोर फर्स्ट और कोर सेकंड। कोर फर्स्ट और सेकंड के बीच में फिर एक असंबद्धनी बॉर्डर होगा, कोर फर्स्ट और टू के बीच में होगा, और हमें पता है सबसे नीचे लोहा मिलता है, तो लोहा को बना दो लेह। लेह जगह पता है ना कहाँ है, जम्मू कश्मीर से आगे जाके, वो लेह, और उसमें रहने वाला जो आदमी है वो है लेह मैन, लेह मैन। ये है असंबद्धता जो कि कोर 1 और 2 के बीच में है। समझ आई बात? तो अब इस चित्र की तरफ देखते हैं, इस चित्र में समझेंगे क्या।
तो भाई बहुत मेहनत लगी है, ध्यान से देखना, कहीं चले मत जाना वरना पिटाई हो जाएगी बेटा। तो ध्यान से देखना, ये वो दुनिया है ऊपर वाली जहाँ हम रहते हैं, ये कुछ पहाड़ ये कुछ जंगल मैंने बनाए हैं और ये है हमारा महासागर, ठीक है। ये वो क्रस्ट है, इतना पार्ट जितने मैं पिंग कर रहा हूँ ये क्रस्ट है। वो क्रस्ट के मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो होते हैं, वो इनके बीच में लग जाती है एक रोड जिसे बोलते हैं कोन रोड, इसलिए इसकी इस शब्द का ऐसा मंथा का नाम होता है कोन रोड। और अब क्रस्ट और मेंटल, ये पार्ट जो है ये है मेंटल क्रस्ट। क्रस्ट और मेंटल के बीच में, रुक एक मिनट, हिल क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो जगह है ये वाली, इसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था मोहो मोहो मेंटल, यहाँ से मेंटल शुरुआत हो रहा है, मोहो मेंटल याद रखना है हमें। जब क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लाइन है उसका नाम है मोहमेंटल, समझ आ गई बात। अब मेंटल है दो, तो दो मेंटल के बीच में जो बॉर्डर लाइन होती है उसे बोलते हैं रिपेटी। पहले हमने क्या किया था, रोड का इस्तेमाल किया था अलग करने के लिए, अब दूसरी बार में हम पेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखना मेंटल वन और मेंटल टू के बीच में रिपेटी आएगा, रिपेटी। अब मेंटल के बाद दूसरा देश ही बदल गया, कोर हो गया। अगली परत कौन सी हो गई, कोर। मतलब अगर देश चेंज हो रहा है, अगर पूरी परत ही चेंज हो रही है, फिर तो बॉर्डर लाइन आएगी ही आएगी। और उस बॉर्डर लाइन का मतलब होता है, नाम होता है गुटनबर्ग, गुटेनबर्ग। क्या नाम होता है, गुटेनबर्ग। मेंटल और कोर को जो अलग करती है वो होती है गुटेनबर्ग। और कोर के फिर दो पार्ट होते हैं, अगर दो पार्ट हैं तो फिर एक बॉर्डर लाइन जरूर आएगी। और ये बॉर्डर लाइन किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर लोहा होता है, लोहा से बन गया लेह, और यहाँ पे जो आदमी रहते हैं उसे कहते हैं मैन, तो बन गया लेह मैन। तो यहाँ पर जो है संबंधता है लास्ट में वो है लेह मैन। तो सारी संबंधता याद कर लेना, पहली कोन रोड, दूसरी मोहो आ गई, फिर रिपेटी, गुटेनबर्ग और लेह मैन। अगर ट्रिक याद करनी है ना तो ये ट्रिक है इसकी, मैंने ही बनाई है, ध्यान रखना। कोन मोह पेटी, मोह मतलब मेरी, कौन मेरी पेटी को, गुटनबर्ग एक जगह का नाम भी है, से लेह, लेह कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ले गया। कौन मोह पेटी को गुटनबर्ग से लेह ले गया। तो कौन मतलब कौन रोड, मोह मतलब मोह, पेटी मतलब रिपेटी, गुटनबर्ग मतलब गुटनबर्ग विशाट, और लेह मतलब लेहमैन। ये पहली असंबद्धता है, यह है दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी है। याद रखोगे इसको, बड़ी मेहनत से किया है बेटा, पढ़ लियो थोड़ा सा तभी पास होगे तुम। तो कौन मोह पेटी को गुटनबर्ग से लेह ले गया, कौन ले गया भाई, तो बताओ जरा, कमेंट करो कैसी लगी आपको ये वीडियो, इस तरह वीडियो बनाया करूँ या नहीं, तो कमेंट जरूर करके जाना, बड़ी मेहनत की है बेटा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।